तो भाई मेरे सामने अभी एक प्रॉब्लम आ चुका है अपने एक्सपी को लेकर। तो देखो इस वर्ल्ड में मैंने काफी सारे एक्सपी फार्म को तो बना के रखा है, बट उससे जो एक्सपी मिलता है वो उतना फास्ट नहीं मिलता और अपना जो टूल्स वगैरह रहता है उन सबको रिपेयर करने में मेरा काफी ज्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए गाइस आज के इस वीडियो के अंदर मैं बिल्ड करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट का अब तक का बेस्ट एक्सपी फार्म, जिसके यूज करने पर मेरा लेवल 0 to 50 एक मिनट के अंदर ही कम्प्लीट हो जाता है। सो वेलकम बैक गाइस अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सार्डवेपन सीरीज का एपिसोड नंबर 18 के अंदर। एंड जैसे कि आप लोग अभी देख ही सकते हो मेरा जो आर्मर से उन सब पे अभी नेदराइट आ चुका है बिकॉज इसकी वजह से। तो लास्ट एपिसोड पर मैंने बिल किया था अपने ये आर्मरी और साथ ही साथ सारे के सारे जो आर्मर ट्रिम्स है उन सबको भी कलेक्ट किया था। तो जस्ट इन केस गाइस अगर वो वीडियो आप लोगों ने मिस कर दिया है तो जाके जरूर से एक बार देख लेना, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलो अभी बढ़ते हैं आज की इस एपिसोड के अंदर। तो गाइस आज के जो फार्म इसके लिए मुझे काफी सारे रेस्टोन का सामान चाहिए, बट मेरे पास ऑलरेडी काफी सारा है, जस्ट थोड़ा बहुत क्राफ्ट करना होगा। अब ये जो एक्सपी फार्म है वो कैसे काम करता है वो मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा देता हूं। तो अभी जो रिसेंट अपडेट आया था गेम के अंदर उसमें कुछ पोशन भी ऐड हुआ था, जिसमें से एक था पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन। और ये क्या करता है, जब ये किसी मॉब या फिर प्लेयर के ऊपर एक्टिवेट रहता है तो अगर वो किसी तरीके से डैमेज होता है तो स्लाइटली चांस रहता है कि थोड़ा बहुत सिल्वर फिश को वो स्पॉन करे, ठीक है। तो इसी मैकेनिक के यूज करके हम लोग इस फार्म को बिल्ड करेंगे और जितने भी सिल्वर फिश स्पॉन होगा उन सबको मार के जो एक्सपी है उसको मैं कलेक्ट कर लूंगा। और राइट सारे सारे रिसोर्सेस आई मेरे पास आ चुका है। तो देख सकते हो काफी सारे ब्लॉक्स है, रेस्टोन का सामान है, लावा है, हॉपर है, वाटर है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत सैंड भी है। तो ये जो सैंड इसकी जगह पे ग्लास होने वाला है एंड अपना जो सुपर स्मेल्टर है वो उधर ही है, तो इसको मैं उधर ही जाके स्मेल्ट कर लूंगा। तो चलो गाइस चलते हैं अभी अपने फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट पर। बट उधर जाने से पहले मुझे चाहिए थोड़ा बहुत डार्ट, क्योंकि आपको तो पता ही अपना जो फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट है बोसन के ऊपर है और इसके लिए मुझे चाहिए एक बढ़िया सा प्लेटफॉर्म। तो ओके अभी मैं आ चुका हूँ अपने फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट पर और मैं सोच रहा हूँ अपने जो एक्सपी फार्म है इसको मैं इसी स्काई केपर के सामने बिल्ड करूँ। तो देख सकते हो इधर काफी बढ़िया सा स्पेस है। वैसे गाइस जो भी चैनल के अंदर न्यू आए उन सबको शायद पता नहीं, तो इधर मैं एक सिटी को बिल्ड कर रहा हूँ स्काई केपर के सहारे और ये जो जितने भी स्काई केपर है उन सबके अंदर अपना जो एक्चुअल ऑटोमेटिक फ्रांस है वो है, ठीक है। तो चलो गाइस अभी फटाफट अपना जो सैंड है उन सबको मैं डाल देता हूँ इधर स्मेल्ट होने के लिए और जब तक ये स्मेल्ट होगा तब तक मैं चल के अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको फटाफट बना लेता हूँ। वेल तो गाइस अभी ये काफी बढ़िया सा प्लेटफॉर्म को मैंने बिल्ड कर लिया है। तो चलो अभी अपने जो फार्म है इसको मैं बिल्ड करना शुरू करता हूँ। ऐसे ही जो पूरा फार्म इसके ट्यूटोरियल का लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग अगर चाहो तो उधर से जाकर देख सकते हो। तो चलो भाई बिल्डिंग को शुरू करते हैं। वेल अपना फार्म इधर तक तो बनकर रेडी हो चुका है, बट अभी आए का बिल्ड करने से पहले जो मॉब्स को मैं इधर यूज करने वाला हूँ उसको मुझे लाके डालना होगा। और जिस विक्टिम्स को भाई मैं इधर यूज करने वाला हूँ उसका नाम है एले, क्योंकि जो एलेस होता है वो नेचुरली अपना हेल्थ को जनरेट कर सकता है। और लकीली मेरा ये जो जू है इसके अंदर ही दो एलेस को मैंने बहुत पहले कैप्चर किया था। तो देख सकते हो गाइस इधर अपना मतलब जो जू है उसके अंदर दो एलेस पहले से ही है। तो चलो अभी एक एले को बाहर निकलते हैं एंड इस ग्लास को जस्ट मैं ब्रेक करूंगा एंड ये लोग मुझे फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके हाथ में मैंने आइटम दे रखा है और मैं एक ही लेके जाने वाला हूँ बिकॉज एक को मैं डुप्लीकेट कर लूंगा। वैसे ये दो लोग आ रहे हैं भाई, भाई दो नहीं चाहिए यार, एक आ जा। ओके मैं ब्लॉक प्लेस कर दूंगा, भाई ब्लॉक प्लेस ही नहीं हो पा रहा है। लो तो चलो भाई कोई बात नहीं, अभी फिर से मुझे इन सबको अंदर लेके जाना है। वैसे शायद दो ही फॉलो करेगा, अगर एक आ जाए तो मस्त रहेगा। ओके गाइज एक आ रहा है, गाइज एक आ रहा है, जस्ट मुझे ब्लॉक को प्लेस करना है इसके घुसने से ही। और वो बंदा अभी शायद स्टॉक हो चुका है एंड लेट्स गो। तो यू आर द बेस्ट ब्रो, यू आर द बेस्ट, लव यू। तो चलो गाइस अभी एक एलेस तो बाहर आ चुका है, उसको लेके चलते हैं फटाफट अपने फार्म तक। ऑलराइट तो जो एल है उसको मैं अपने फार्म तक लेके आ चुका हूँ, बट अभी ना मुझे इसको ये जो नेदर रखे इसके ऊपर डालना होगा और इसके लिए मैं कुछ सामान भी लेके आ चुका हूँ, जैसे कि एक्टिवेटर रेल है। तो अभी ये जो एक्टिवेटर रेल है इसको मुझे थोड़ा सा पावर देना होगा। ओके तो अभी इसको पावर मिल चुका है और अभी इसके ऊपर मुझे प्लेस करना है एक माइंड कार्ट को। तो अभी इसके अंदर अगर कोई भी मॉब चाहे मैं भी अगर बैठ गया तो ये मुझे किसी भी कॉर्नर पे धकेलेगा एंड आई होप कि ये जस्ट ये जो नेदर है इसके ऊपर ही धकेले, ठीक है। तो ठीक है गाइस अभी थोड़ा बहुत आइटम को मैं फेंकता हूँ इस माइंड कार्ट के ऊपर। ऐसे गाइस जो भी बोलो यार माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के अंदर ये मतलब बहुत ही बकवास है, ऐसे आइटम को आप लोग थ्रो नहीं कर सकते, आपको इन्वेंटरी खोल के थ्रो करना होता है। ऐसे थ्रो कर सकते हो बट उसमें टाइम लगता है, तो ठीक है भाई थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगा। अरे भाई ये बैठ क्यों नहीं रहा भाई, उसमें माइनक्राफ्ट के अंदर बैठ जाना चाहिए था भाई। ओके नीचे चलते हैं, नीचे चल के थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। एंड ये देखो भाई ये मेरा पीछे पीछे ही फॉलो कर रहा है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत ओके नीचे की तरफ अभी जा चुका है। तो चलो गाइस अभी थोड़ा बहुत जो आइटम है उसको मैं वापस से थ्रो करता हूँ एंड होपफुली ये इस बार काम कर जाए। तो इस बार भाई साहब क्या ही बताए, तो ठीक है
ऑलराइट गाइस, इसको मैंने अभी दूसरे तरफ शिफ्ट कर दिया, मतलब दूसरे कॉर्नर पे, क्योंकि उस तरफ शायद काम नहीं कर रहा था और अभी आ चुका है। तो एलिस कहाँ गया भाई, लेट्स गो फाइनली। तो गाइस देख सकते हो अपना जो एलिस है वो जा चुका है भाई इसी अपना जो नेदरक है इसके अंदर। तो इसके अंदर ही मुझे इसको लेके जाना था, ठीक है। तो अभी आ चुका है और बाकी जो मतलब जैसा था वैसा मैं इसको कर दूंगा। तो अभी इसका मैं डुप्लीकेट भी कर लेता हूँ। और आपको पता ही है इसको डुप्लीकेट कैसे करना है, जस्ट जूक बॉक्स को प्लेस करना है और उसके अंदर कोई भी म्यूजिक को चलाना होता है और उन सबको एक एमेथिस्ट का शार्ट देना होता है। तो ये देख सकते हो गाइस, ये डुप्लीकेट हो चुका है और मेरे पास हो चुका है अभी दूसरा एलिस। और दो एलिस ही अपने ये जो फार्म है वो अच्छे से ही चल जाएगा। और अगर आप लोग भी इसको बिल्ड कर रहे हो तो दो एलिस का यूज करना, दो से तीन। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, इधर ज़्यादा एलिस का इस्तेमाल मत करना, मैक्सिमम तीन या फिर चार आप लोग यूज़ कर सकते हो, बट उससे भी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी तगड़ा लैग होता है भाई। और अगर आप लोग पीसी में खेल रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो, यूज़ करो भाई, छः सात यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो गाइस फिर से अपना जो फार्म है उसको फटाफट में बिल्ड कर लेता हूँ। एंड फाइनली इस लीवर को प्लेस करने के बाद मेरा जो फार्म में नहीं हुआ भाई। एंड फाइनली गाइस इस लीवर को प्लेस करने के बाद मेरा जो फार्म है वो अभी पूरा रेडी हो चुका है। तो ये जो लावा वाला सिस्टम है ना एक्चुअली अपना लैग किलर है, तो इससे लैग कम हो जाएगा। तो चलो गाइस अभी फार्म तो अपना रेडी हो चुका है, बट जैसे कि मैं पहले आप लोगों को बताया, इस फार्म को चलाने के लिए मुझे चाहिए पोशन, दो पोशन चाहिए। एक तो ये पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन जो कि एलिस के ऊपर एक्टिव रहेगा, और मेरे हाथ में रहेगा पोशन ऑफ आर्मी, जिससे मैं ये जो मतलब मॉब्स है जो सिल्वर फिश है उन सबको इंस्टा किल कर सकता हूँ। तो मुझे अभी चाहिए थोड़ा बहुत पोशन, बट मेरे पास ना वो नेदर वॉट ही नहीं है। ओके गाइस अभी मैं आ चुका हूँ इस फोर्ट्रेस के अंदर और इधर थोड़ा बहुत ही नेदर वॉट मुझे दिख रहा है, तो चलो इसको फटाफट माइन कर लेते हैं। एंड इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं थोड़ा प्लान भी करके रख देता हूँ, बिकॉज दोबारा शायद मुझे नहीं मिलेगा। तो चलो अभी जो पोशन है उसको मैं बना लेता हूँ। पॉकवर्ड पोशन पहले से ही मैंने बना लिया है, अब इसमें डालते हैं स्टोन को और अभी थोड़ा बहुत वेट करना है। एंड ये रहा गाइस अपना पोशन ऑफ इन्फेस्टेशन, और अभी इसमें मुझे डालना होगा गन पाउडर को, जिससे भाई अपने जो पोशन है वो स्प्लैश पोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो फिर से कुछ ऑकवर्ड पोशन को इधर डालते हैं। और अभी ना मुझे बनाना होगा पोशन ऑफ हार्मिंग को, तो पहले इसको थोड़ा बहुत इन्वेंटरी को खाली कर लेते हैं। तो गाइस ये स्प्लैश पोशन तो बन चुका है और इसमें मैंने अभी डाल दिया है फार्मेंटेड स्पाइडर आई, और इसमें मुझे फास्ट फार्मेंटेड स्पाइडर आई को डालना होता है। ओके, और अभी मुझे स्पाइडर आई को डालना है, जो नॉर्मल स्पाइडर आई को। वैसे ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, यार ये ऐसे नहीं होने वाला है क्या? मतलब ये दोनों से तो ये बनता है ये मुझे पता है, बट पहले क्या मुझे वाटर बॉटल को खुद डालना होता है क्या, या फिर स्पाइडर आई को? नहीं भाई, मुंडेन पोशन बन चुका है, पता नहीं वो क्या है। और अभी इसमें फिर से मैं इसको डाल के देखता हूँ। गाइस ये बार बार वीकनेस का पोशन क्यों आ रहा है भाई, यार आई एम कन्फ्यूज गाइस। चार साल हो गया भाई माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, चार साल। तो चलो यार अभी ये जो फर्स्ट वाला चेस्ट है इसके अंदर आएगा अपना इन्फेस्टेड पोशन, और ये जो सेकंड चेस्ट है इसके अंदर आएगा अपना फ्लिंट एंड स्टील। तो ये दोनों आइटम चाहिए इस फार्म को रन करने के लिए, तो दोनों आइटम को मैंने डाल दिया है। बाकी सब कुछ आई थिंक सही है, वैसे फार्म को पहले एक्टिवेट करते हैं उसके बाद ही पता चलेगा। तो दरवाज़ा अपना बंद है और साथ ही साथ मेरे पास पोशन अब हार्मिंग है और चेस्ट प्लेट को पहन लेते हैं, क्या पता भाई कुछ ग्लिच वगैरह हो जाए। तो ठीक है अभी जो फास्ट बटन को, ओके जो मिडिल वाला है उसको मुझे फास्ट प्रेस करना है, तो प्रेस करते हैं। ओके भाई उधर पोशन एक्टिवेट हो चुका है और अभी करते हैं इसको फेस। एंड लेट्स गो भाई, फाइनली देख सकते हो अपना फार्म काम तो कर चुका है, बट भाई ये लोग कहाँ से आ रहा है यार, ग्लिच वगैरह हो रहा है क्या भाई? बहुत सारा सिल्वर फिश आ रहा है भाई जलता हुआ पूरा। ओके कहाँ से आ रहा है भाई? ओके पिस्टन के ऊपर से आ रहा है, तो ठीक है वो मुझे बाद में जाकर देखना पड़ेगा। एटलीस्ट भाई अपना जो फार्म है वो तो काम कर रहा है। तो चलो पहले ये जो बाहर का मतलब जितने भी सिल्वर फिश है उन सबको ख़त्म करते हैं। एंड खत्म हो जा। ओके तो ये लोग ऑटोमेटिकली मर चुका है और अपना जो एलिस है वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो लोग नेचुरली अपने जो हार्ट है उसको रिजनरेट कर सकता है। तो गाइस ये देखो भाई कितने सारे सिल्वर फिश, एंड अगर मैं इधर गिर गया ना तो भाई मेरा मौत तो पक्का है। एंड गाइस अभी आप लोगों को मतलब एक चीज़ दिखाना है, तो आप लोग अभी मेरा लेवल देख सकते हो, अपना लेवल पूरा 4 है, ठीक है। तो चलो अभी क्विकली चलते हैं और इस पोशन को करते हैं थ्रो और जस्ट वेट करो अभी। एंड ये रहा भाई टोटल भाई पूरा सीधे 27 लेवल तक पहुंच गया भाई मैं। यार गाइस मतलब कितना फास्ट है, कितना ओपी है, आप लोग देख लो भाई। इस फार्म को मैंने रनिंग किया कितना देर होगा भाई, जस्ट 10 सेकंड ही हुआ होगा, और उसी के अंदर भाई देख सकते हो ये अपना फार्म कितना सारा लेवल्स प्रोड्यूस कर चुका है भाई। मतलब कितना फास्ट फार्म है यार ये माइनक्राफ्ट का अब तक का। तो चलो गाइस अभी चलते ऊपर और इधर जो चीज,
ओके, तो भाई इधर एक ब्लॉक मिसिंग है, तो वो देख सकते हो जो रेस्टोरेंट के मतलब ऊपर इधर एक ब्लॉक मिसिंग है। तो ठीक है, इधर अगर मैं सॉलिड वैसे ब्लॉक प्लेस कर दूँ, मुझे पिस्टन को पार भी तो देना है। ओके, सॉलिड ब्लॉक से पार तो जाता ही है, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, इससे ही अपना काम हो जाएगा। ओके, तो अभी एक और बार टेस्ट करके देख लेते हैं, पहले इस स्विच को। अरे नहीं भाई, इस स्विच को क्यों दबाया, क्योंकि अपना जो पोषण है वो तो 3 मिनट तक चलता है ना। तो ओके ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मुझे इसको याद रखना है। तो गाइस अपना जो पोषण है ना वो मतलब 3 मिनट तक चलता है, तो 3 से 4 बार मैं इसको इस्तेमाल कर पाऊंगा। और अभी आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना है, वैसे इधर ये इसको रुकने देते हैं। तो समझ लो गाइस इधर बहुत सारा ऐसे स्पॉन हो रहा है, ठीक है, और मुझे इसको क्विकली रोकना है। तो मैं इस बटन को प्रेस कर सकता हूँ, जिससे मतलब ऑटोमेटिकली वो जो हॉपर क्लॉक है या फिर जो ड्रॉपर क्लॉक है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। और समझ लो बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, और मुझे इस लैग को मिटाने के लिए क्या करना है भाई, ये जो लीवर है ना इसको जस्ट फ्लिक करना है, तो अपना जो लावा है वो एक्टिवेट हो जाएगा और सारा लैग अभी खत्म। तो इसी तरीके से गाइस मतलब ये जो दोनों स्विच है वो काम करता है, इनका बाकी तो कुछ यूज नहीं है। तो भाई ये जो लावा वाला सिस्टम है उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, आप लोग डाल भी सकते हो ना भी सकते हो। तो चलो गाइस अभी फार्म तो अपना पूरा अच्छे से काम कर रहा है, ये तो मुझे पता चल चुका है। तो एक और बार भाई एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रो है उसको थोड़ा बहुत रिपेयर करना होगा मुझे। तो ठीक है भाई, अभी थोड़ा बहुत स्पॉन होने देते हैं। ऐसे उधर जो ड्रॉपर क्लॉक है उसकी जगह आप लोग हॉपर क्लॉक भी यूज कर सकते हो, मतलब काफी सारे ऑप्शन। ओ भाई साहब, मुझे गेट को बंद करके रखना है भाई, गेट बंद हो जा पहले। अभी चलते हैं एंड फिर से करते हैं गाइस अपने पोषण को थ्रो। तो भाई इलेक्ट्रिक को मैंने पहन लिया है और ये रिपेयर भी हो जाएगा। और भाई मेरा लेवल कितने तक, ओके 37 तक। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अभी अपना ये जो एक्सपी फार्म है वो परफेक्टली काम कर रहा है, और इससे मुझे ढेर सारा एक्सपी भी मिल रहा है। बट इधर जैसे कि आप लोगों ने पहले ही देखा, इसके लिए मुझे चाहिए पोषण, क्योंकि पोषण के बिना ये जो फार्म है वो रन नहीं करेगा। और अभी ऐसे मैनुअली पोषण को बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इधर मैं एक पोषण ब्रियर को भी डालने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स, रेस्टोन टॉर्च, वुड बटन्स, रिंग स्टैंड, ऑफर्स, टेस्ट, रेस्टोन ड्रॉफर्स, स्लैब्स, रिपीटर्स एंड कुछ रेस्टोन ब्लॉक को ले लेते हैं। तो इसी के साथ साथ गाइस मेरे पास सारे के सारे वो रिसोर्सेज आ चुका है जो कि मुझे चाहिए अपने ऑटोमेटिक पोषण ब्रियर को बनाने के लिए। तो चलो सारी चीजें को उठाते हैं और चलते हैं सीधे अपने फिर से फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूं ये कैसे होने वाला है। तो फर्स्ट मुझे एक ब्लॉक को प्लेस करना है, उसके पीछे एक रिपीटर आएगा, उसके सामने एक ब्लॉक आएगा, और अब ये जो फर्स्ट वाला ब्लॉक है इसके आगे एक मुझे मतलब वुड बटन को प्लेस करना है, और इस ब्लॉक के ऊपर आएगा एक रेस्टोन टॉर्च, एंड ये जो रेस्टोन टॉर्च है इसके ऊपर आएगा अपना एक ब्लॉक, एंड अभी जो रेस्टोन टॉर्च है इसके आगे एक स्लैब आएगा। और अभी इधर मुझे डालना है एक सिंगल चेस्ट को, और इधर आप लोग बैरल भी यूज कर सकते हो, तो इधर ही अपना जो आउटपुट है वो आएगा, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर मुझे एक हॉपर को प्लेस करना है, और इसके ऊपर मुझे डालना है ब्रिंग स्टैंड को। वैसे मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अपना जो आयरन फार्म है वो बहुत ही क्लोज है, एंड क्या पता भाई इसको प्लेस करने से आई डोंट नो ये आयरन फार्म ब्रेक होगा कि नहीं। तो चलो भाई देखा जाएगा, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा, इसको फिलहाल प्लेस करते हैं। और अभी ये जो ब्रिंग स्टैंड है इसके पीछे से मुझे एक हॉपर को डालना है, और ऊपर से एक और हॉपर को डालना है, ठीक है। अभी इधर मुझे नीचे एक रिपीटर को उस तरह फेस करके डालना है, इधर एक रेस्टोन टॉर्च को डालना है, और ये जो ब्लॉक है इसके साइड में भी एक और रेस्टोन टॉर्च को डालना होगा। अभी ऊपर जाना है, और ये जो चेस्ट है इसके ऊपर मुझे 2 डबल चेस्ट को प्लेस करना है, और अभी इधर से मुझे ये जो सिग्नल इसको ऊपर लेकर आना है जस्ट ब्लॉक एंड रेस्टोन टॉर्च को प्लेस करके। अभी फिर से एक और ब्लॉक को प्लेस करना होगा, और अभी साइडवेज में ऐसे एक रेस्टोन मतलब टॉर्च को प्लेस करना है, और इसके ऊपर एक ब्लॉक आएगा। अभी इधर एक और चेस्ट को प्लेस करते हैं, और इसके आगे एक ड्रॉपर आएगा, और ये जो नीचे वाला चेस्ट है इसकी तरफ फेस करके एक हॉपर आएगा, और अभी ऊपर से फिर से एक और ड्रॉपर, एक और हॉपर, फिर से एक और ड्रॉपर आएगा, और अभी एक और अपना हॉपर आएगा। तो इधर तक जो मैक्सिमम जो फार्म से वो ऐसे ही काम करता है, मतलब जो पोषण है, लेकिन मैं इसको 4 का बनाने वाला हूँ। तो एक और ड्रॉपर है ना, एक और हॉपर, और अभी जो सिग्नल से इसको मुझे ऊपर तक लेकर आना है, तो इसके लिए एक रेस्टोन टॉर्च, उसके ऊपर एक ब्लॉक आएगा, और अभी इधर मुझे साइडवेज में डालना है जो रेस्टोन टॉर्च है उसको ऊपर वाले मतलब ड्रॉपर को सिग्नल देने के लिए। और रेस्टोन टॉर्च के ऊपर फिर से एक और अपना जो सॉलिड ब्लॉक है वो आएगा, और इसके सामने एक और मतलब रेस्टोन टॉर्च आएगा। तो बस गाइस यही रहा अपना पूरा का पूरा एक पोषण बनाने वाली सेटअप, और इसके अंदर अभी एक पोषण ब्रीव हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स मुझे जो आइटम्स उसको पहले डालना होगा। तो ऐसे जो ड्रॉपर्स है ना वो जैसे लाइन बाय लाइन है, तो वैसे ही मुझे लाइन बाय लाइन जो आइटम्स उसको डालते हुए जाना है, जैसे कि नीचे में नेदर वार्ड, फिर अगर गोल्डन कैरेट मतलब अगर मैं नाइट विजन बना रहा हूं तो गोल्डन कैरेट, तो ऐसे करके डालना है, ठीक है। और ये वाला जो डबल चेस्ट है इसके अंदर जो वाटर बॉटल्स है उन सबको मुझे इधर ऐड करना होगा, और अपना जो आउटपुट है वो इन चेस्ट पर मुझे मिलेगा, ठीक है। तो जब भी मुझे कोई पोषण जरूरत होगा तो मैं इस बटन को प्रेस करूंगा, तो अपना जो पोषण है वो ब्री होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो गाइस अभी एक को तो मैंने बना लिया है, अभी ऐसे ही और भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं एक टाइमलेस के साथ।
ऑल राइट, तो अभी अपना पोषण बनाने वाला बेसिन भी बनकर रेडी हो चुका है एंड देख सकते हो गाइस कितना बड़ा है। वैसे टोटल मैंने 7 यूज किया, ठीक है, तो 7 पोषण को मैं इधर ब्रू कर पाऊंगा और सारे के सारे जो सिस्टम है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत वाटर बॉटल को भी मैं लेके आ चुका हूँ। ऐसे जो वाटर बॉटल है उसको मुझे डालना था ऊपर में, ये जो डबल चेस्ट है मतलब ये जो पीछे वाला डबल चेस्ट है इधर, और इधर थोड़ा बहुत आप लोगों को एडजस्टमेंट करना होगा, तो डाल देते हैं पहले। और अभी ये जो ड्रॉपर्स इसके अंदर आएगा अपना फास्ट इंग्रेडिएंट्स जैसे कि नेदर वॉट, तो नेदर वॉट सब में भी चाहिए, मतलब फास्ट जो ड्रॉपर्स है उसमें चाहिए, तो दोनों के दोनों में मैं डाल देता हूँ। बाकी का मैं बाद में देख लूंगा कि इसमें मुझे क्या पोषण चाहिए। और इधर से आप लोग तीनों के तीनों जो ड्रॉपर्स है उस पर एक्सेस कर सकते हो। तो अभी ये जो दूसरा वाला ड्रॉपर्स है इसमें फास्ट आएगा अपना स्पाइडर आई, क्योंकि इसको मैं बनाने वाला हूँ अपना इंस्टेंट डैमेज वाला पोषण, और इसके ऊपर अभी मुझे डालना होगा फर्मेंटेड स्पाइडर आई को। तो मैंने काफी सारे क्राफ्ट करके लेके आ चुका हूँ, और क्योंकि मुझे इसको मतलब स्प्लैश बनाना है तो बाद में मैं डाल दूंगा गन पाउडर, ठीक है। अभी सेम टू सेम इसमें भी फास्ट मुझे डालना होगा स्टोन को, तो नीचे अपना नेदर वॉट ऑलरेडी है, ठीक है, तो ये भूलना मत। और अभी इसके ऊपर तो गाइस फर्स्ट ना मैं इसको थोड़ा सा इसका जो ड्यूरेशन है उसको बढ़ाने वाला हूँ, तो मैं रेस्टोन भी ऐड कर देता हूँ, और फिर ये जो लास्ट वाला इस पर आएगा अपना गन पाउडर इसको स्प्लैश बनाने के लिए। तो चलो गाइस अभी चलते हैं नीचे और चल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसको मतलब रन कैसे करना है। तो फर्स्ट तो मुझे ये जो बटन है इस बटन को प्रेस करना होगा, तो बटन को करते हैं प्रेस। एंड जब आप लोग पहले टाइम करोगे तो इधर थोड़ा बहुत ये वाटर बॉटल्स आएगा, क्योंकि उधर पहले से ये लोड था, ठीक है, तो पहले इसको खाली कर लेते हैं। और अभी चलते हैं भाई फिर से ऊपर, एंड अभी देखना गाइस इधर पोषण ब्रू होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। भाई मैंने इधर ब्लेस पाउडर ऐड करना ही भूल गया, तो चलो भाई ब्लेस पाउडर मैं लेके आ चुका हूँ, डाल दी इसके अपने मेसिन के अंदर। एंड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ होपर में तो देख सकते हो गाइस एग्जैक्ट ऑर्डर में आ चुका है, मतलब जो आइटम जिसके बाद आएगा वो पूरा ऐसे ही आ चुका है भाई, तो ये ऐसे ही काम करेगा। अभी थोड़ा बहुत डाल देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। एंड ये देख सकते हो गाइज अपना पोषण अब इंस्टेंट डैमेज बन चुका है, मतलब पोषण अब हार्मिंग बन चुका है। और अभी देखते हैं पोषण अब इन्फेस्टेशन को। ओके, तो इसका ड्यूरेशन हम लोग मतलब बढ़ा नहीं सकते भाई, इसका ड्यूरेशन जस्ट 3 मिनट से रहेगा, क्योंकि रेस्टोन ऐड नहीं हो रहा है। यार ये चीज़ गलत हुआ भाई, ये करना चाहिए था मुझे इनको। तो ठीक है यार कोई बात नहीं, अभी आप लोग देख सकते हो ये जो चेस्ट है इसके अंदर कुछ भी नहीं है, और अगर मैं इस बटन को प्रेस करूंगा तो देख सकते हो गाइस जो पोषण है वो आ चुका है, और साथ ही साथ जो न्यू पोषण है वो बनना भी शुरू हो चुका है, और इधर अपना बटल भी खत्म हो गया। तो ठीक है डाल देते हैं। तो ठीक है भाई अभी अपना जो पोषण मशीन है वो भी अच्छे से ही काम कर रहा है, एंड बाकी का जो सेल्स है उसमें क्या पोषण में बनाने वाला हूँ वो मैं बाद में फिगर आउट कर लूंगा। फिलहाल गाइस ये जो प्लेस है वो थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, और इसको मुझे कवर करना है एक स्काई केबर के साथ, क्योंकि गाइस इधर अपना जो थीम है वो स्काई केबर ही है। एंड ये जो स्काई केबर को मैं बिल्ड करने वाला हूँ वो बाकी स्काई केबर की तरह इतना बड़ा नहीं होने वाला, ये थोड़ा सा छोटा ही होगा, तो रिसोर्सेज मुझे काफी कम लगेगा। वैसे रिसोर्सेज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा है, तो चल के थोड़ा बहुत क्राफ्ट कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस फाइनली सारे के सारे रिसोर्सेज आए मैंने क्राफ्ट कर लिया, तो देख सकते हो इसके अंदर अपना स्टोन डीप स्लेट कुछ वुड्स वगैरह है, मतलब दो टाइप का वुड्स मैंने ले लिया है, और इधर अपना कॉपर वाला आइटम और जो न्यू टाफ का ब्लॉक है वो भी मैंने बहुत सारा ले लिया है भाई। फाइनली मैं टाफ के साथ मतलब नहीं भाई मैंने पिछले एपिसोड में ही बिल कर लिया था ऐसे, और काफी सारा डार्ट भी मैंने ले लिया है, और मेरे पास जो आइटम पहले से था जैसे कि देख सकते हो मतलब इधर काफी सारा क्वार्ट्स वगैरह है, फिर ग्लास पेंस भी है, तो मतलब रिसोर्सेज मेरे पास ही मेरे चेस्ट रूम पर ही था, और भाई ये तो पूरा एक मॉन्स्टर बन चुका है मॉन्स्टर रूम। वैसे सबसे ज्यादा टाइम लगे ये जो कॉपर है इसको मतलब क्राफ्ट करने में, ये जो ग्रीन वाला इसमें नहीं, ये जो वेदर्ड एंड ये जो एक्सपोज्ड है इन दोनों में जो हनी कॉम उसको डालने में मुझे टाइम लगा, ठीक है। और इसके लिए मैंने इधर छोटा सा एक अपना क्या बोलते हैं जो हनी कॉम फार्म है उसको भी सेट करके रखा है, और देख सकते हो भाई थोड़ा बहुत है, और इसमें थोड़ा बहुत अपना टाइम जा चुका है, बाकी सब कुछ सही है। तो ठीक है गाइस सारे के सारे रिसोर्सेज मेरे पास आ चुका है, तो अभी चलते हैं और इस स्काई कवर को बिल्ड करना शुरू करते हैं। बट उससे पहले आज की इस वीडियो का शाउट आउट मैं दे देता हूं, एंड आज की इस वीडियो का शाउट आउट जाता है द माइनक्राफ्टर गेमर एंड लक्ष्मण कोड़ी को। तो चलो इन दोनों भाई को मैंने शाउट आउट दे दिया है, अभी शुरू करते हैं भाई अपना बिल्डिंग टाइम लैप्स। इसी के साथ साथ फाइनली गाइस अपना जो स्काई केपर है वो अभी पूरा फिनिश्ड हो चुका है, और भाई साहब ये स्काई केपर तो काफी कमाल का बन गया। तो ये है भाई अपना प्यारा सा स्काई केपर। वैसे इस साइड में ना ये लाइट्स की वजह से थोड़ा बहुत लुक बिगड़ रहा है, बाकी ठीक है, ये एरिया लाइट ऐप है तो मॉस वगैरह भी स्पॉन नहीं हो सकता। और इधर आप लोग देख सकते हो थोड़ा बहुत फ्लावर का पैच मैंने ऐड कर दिया है, मतलब थोड़ा सा एक मॉडर्न टाइप का क्या बोलते हैं जो गार्डन वगैरह रहता है उस टाइप का कुछ बनाने की सोचा है। और इधर देख सकते हो इस साइड में ये काफी बढ़िया दिख रहा है, और इधर मैंने गेट को भी डाला है भाई, ये पूरा रियल
टाइप जो मतलब मॉडर्न गेट होता है ना उसके तरह ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत जो ग्लास का गेट होता है। फिर पीछे से गाइस देख सकते हो इस बिल्डिंग का लुक कुछ ऐसा दिख रहा है। भाई जो छोटा छोटा सेगमेंट करके मैंने इस बिल्डिंग को बिल्ड किया ना, ये काफी ज्यादा सही चीज था और इसको मैंने रिसेंटली सीखा है और एक से भाई काफी बढ़िया सा एक लुक मिल रहा है। ठीक है, तो इधर भी देख सकते हो गाइस इधर मैंने गेट को ऐड किया। ऐसे इसको मैंने पहले तो खुला रखा था बट अभी के लिए मैंने इसको कवर कर दिया क्योंकि इधर का कोई तो काम नहीं है अपना। और सामने से गाइस इसका फ्रंट लुक आप लोग देख सकते हो, फ्रंट का लुक तो काफी सही है। और एरियल व्यू में गाइस देख सकते हो ये जो कॉपर्स का ये जो मतलब टेक्सचर है या फिर जो ग्रेडियंट आप लोग बोल सकते हो वो कितनी ऑसम दिख रहा है। फिर भाई इस साइड से भी काफी तगड़ा लुक दिखता है। एंड अगर आप लोग पीछे का व्यू की बात कर रहे हो तो देख सकते हो भाई पीछे से भी ये काफी तगड़ा दिख रहा है। और इस साइड का तो व्यू मैं उतने अच्छे से दिखा नहीं पाऊंगा बट इस साइड भी काफी तगड़ा बना है। ठीक है, और इन साइड देख सकते हो गाइस पूरा का पूरा जो फ्लोर है उसको मैंने डाल के रखा है और सारे चीजें मैंने अच्छे से लाइट अप कर दिया है तो इधर मॉब स्पॉन होने का कोई भी खतरा नहीं है और इधर आराम से मैं अपने फार्म वगैरह पे कर सकता हूं। और गाइस एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये जो रूफ है इसको इस बार मैंने पूरा क्लीन रखा है, ऐसे कोई भी हेलीपैड वगैरह कुछ भी नहीं डाला है और जस्ट ये जो मतलब ये जो आप लोगों को रैंडम चीज दिख रहा है ये जस्ट लाइट अप करने के लिए। ठीक है, और इधर जो मेन चीज था वो था गाइस ये देखो आप लोग मतलब सारे के सारे जो रूफ से उन पे एक्सेस कर सकते हो, मतलब कितनी सही चीज है भाई, ये मुझे काफी बढ़िया चीज लगा। और अगर नाइट व्यू की बात करें तो नाइट में भी ये काफी तगड़ा दिखता है। वैसे ये जो स्पॉट है वो थोड़ा सा डार्क लग रहा है बट इधर उतना ज्यादा मॉब स्पॉन होने का खतरा नहीं है, अगर स्पॉन होगा तो बेबी ज़ॉम्बी स्पॉन हो सकता है बाकी तो नहीं होगा। तो चलो भाई अभी अपने एक्सट्री फार्म तो बिल हो चुका है और मैं काफी ज़रा टूटा फूटा ये टूल्स वगैरह लेकर आ चुका हूँ और अब इन सबको मैं इधर से फटाफट रिपेयर कर लेता हूँ। तो ठीक है यार, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आज का जो वीडियो था वो आप लोगों को पसंद आया है। अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। तो क्या सब्सक्राइब करो यार, हमें जल्द से जल्द 10K तक पहुंचना है। अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो ये क्विकली हो जाएगा, तो सब्सक्राइब करो गाइस। फिलहाल मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।